गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर टेन मल्टी मीडिया इंट्रोडक्शन टू मल्टी मीडिया मल्टीपीडिया में मल्टी मीडिया से परिचय द टर्म मल्टी मीडिया हैज़ बिन कॉइंड फ्रॉम टू टर्म्स जो मल्टी मीडिया टर्म है ये दो टर्म्स से बना हुआ है एक है मल्टीपल और दूसरा है मीडिया हैंस मल्टी मीडिया मीन्स यूजेज ऑफ मल्टीपल मल्टीपल मीडिया टू कम्युनिकेट यहाँ पे मल्टीमीडिया जो है वो एक मल्टीपल मीडिया का माध्यम माध्यम लिया गया है किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस किसी चीज़ को दिखाने के लिए किसी चीज़ को शो कराने के लिए मल्टी मीडिया इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ़ टेक्स्ट मल्टी मीडिया जो है टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है साउंड का कॉम्बिनेशन हो सकता है पिक्चर का कॉम्बिनेशन हो सकता है एनिमेशन का कॉम्बिनेशन हो सकता है या वीडियो का कॉम्बिनेशन हो सकता है कॉमन मल्टी मीडिया कम्प्यूटर अप्लीकेशन इंक्लूड कंप्यूटर गेम्स इंटरनेट लर्निंग सॉफ्टवेयर एंड रेफरेंस मटेरियल्स जो कॉमन मल्टी मीडिया कम्प्यूटर अप्लीकेशन होते हैं वो कंप्यूटर गेम्स इंक्लूड कर सकते हैं इंटरनेट एक्स इंक्लूड कर सकते हैं लर्निंग सॉफ्टवेयर इंक्लूड कर सकते हैं या रेफरेंस मटेरियल इंक्लूड कर सकते हैं मल्टी में आप जो है आप किस तरह के काइंड ऑफ कंपोनेंट को देख पाएंगे यहाँ पे देखिए टेक्स्ट हो गए वीडियो हो गई ऑडियो हो गई एनिमेशंस हो गए या ग्राफिक्स हो गए आल दिज आल दिज मीडियम हेल्प अस पिक अप द इंफॉर्मेशन और टीचर्स ये सब मीडियम जी सब जो माध्यम है ये इंफॉर्मेशन को जो है हमें पढ़ाने या पढ़ने के लिए बहुत हेल्प करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वाइल टाकिंग ऑन द टेलीफोन टू अ फ्रेंड अगर हम टेलीफोन पर फ्रेंड से बात कर रहे हैं वी कैन हीयर दॉइस बट कैन नॉट सी द इंडिविजुल हम उसकी बात तो सुन रहे हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते ऑल्सो वेन वी राइट अ लेटर टू फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अबाउट द अ ट्रिप ओनली द टेक्स्ट कैन बी रीड जैसे कि मान लीजिए हम लेटर में कुछ चीज़ें लिख रहे हैं अपने फ्रेंड को किसी ट्रिप के बारे में बता रहे हैं तो वो बस उसको पढ़ सकता है ठीक है उसको महसूस नहीं कर सकता लेटर डज नॉट प्ले और वॉइस ऑफ द पर्सन लेटर जो होते हैं जो लिखावट होती है वो इंसान के इंसान की आवाज़ नहीं बन सकती है अ पिक्चर और वीडियो विद द लेटर हेल्प्स द इमेजीन द फन जो पिक्चर और वीडियो होती है जो लेटर के साथ होती है वो एक अलग ही जो है आपको एक अलग अनुभव कराती है मल्टीमीडिया इज़ आल अबाउट एडिंग वेरियस इफेक्ट टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव मल्टीमीडिया इन सब के बारे में है जो कि अलग अलग इफेक्ट डाल के इस कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाता है कंप्यूटर प्ले अ वाइट कंप्यूटर प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस मीडिया एलिमेंट कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इस मीडिया एलिमेंट में इनको डेवलप करने का अ कंप्यूटर कैपेबल फॉर हैंडलिंग टेक्स्ट कंप्यूटर जो है टेक्स्ट हैंडलिंग में कैपेबल है ग्राफिक्स में कैपेबल है ऑडियो वीडियो में कैपेबल है एनिमेशन में कैपेबल है, है. इस समथिंग काल्ड मल्टीमीडिया कंप्यूटर इन सबको मल्टीमीडिया कंप्यूटर कहते हैं इट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग हार्डवेयर इसमें काफ़ी सारे हार्डवेयर कंसिस्ट होते हैं क्योंकि हार्डवेयर नहीं रहेगा तो कोई भी किसी भी तरह का मल्टीमीडिया हम बना ही नहीं सकते किसी भी तरह के मल्टीमीडिया कंपोनेंट को पहला हमारा जो इंक्लूड होता है वो होता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट शुड बी पेंटियम टी फोर प्रोसेसर और एबो जो जो सी होना चाहिए वो हमारा जो है पेंटियम प्रो फोर प्रोसेसर या उससे अधिक का होना चाहिए ये पेंटियम जो है इंटर कोर सीरीज की बात किया है कंप्यूटर के जो कंप्यूटर प्रोसेसर है उसके इंटर कोर सीपीयू की बात किया है यहाँ पे पेंटियम फोर उसका वर्ज़न है इंटरकोर्स सी का उसका एक वर्जन है पेंटियम फोर पी फोर प्रोसेसरस ओके शॉर्ट में इनको पी फोर प्रोसेसर बोलते हैं फिर नेक्स्ट हमारा कलर मॉनिटर टू टू वी, डिस्प्ले वीडियो पहले हम देखिए शुरू में जो है कि ब्लैक एंड वाइट टीवी पे जब हम मूवी देखते थे तो हमें उतने अच्छे नहीं लगते थे लेकिन अब कलर मॉनिटर पे मूवी देखते हैं तो एक अलग सी फील आता है तो कलर मॉनिटर जो है वीडियो को डिस्प्ले करने के लिए यूज होना चाहिए यहाँ पे फिर अ साउंड कार्ड फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड एक साउंड कार्ड लगा होना चाहिए एक साउंड मतलब साउंड सुनने के लिए जैसे आपके पास स्पीकर हो या कोई ईयरफोन वगैरह हो उसमें साउंड कार्ड होना चाहिए सीपीयू के अंदर जो कि आपके मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होता है फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्पीकर्स और हेडफोन टू लिसन टू म्यूजिक स्पीकर या हेडफोन होने चाहिए म्यूजिक को सुनने के लिए फिर नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रोफोन फॉर रिकॉर्डिंग ऑडियो माइक्रोफोन भी होने चाहिए ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए तब वो जाके वो बनता है मल्टी मीडिया अब बात करेंगे मल्टी मीडिया सी डी रोम की अब मल्टी मीडिया सी डी रोम इज़ अ मस्ट फॉर मल्टी मीडिया सिस्टम टू प्ले सी डीज़ मल्टी मीडिया सी डी रोम जो होता है एक मल्टी मीडिया सिस्टम होता है या हम कह सकते हैं मल्टी मीडिया सी डी ड्राइव कह सकते हैं जो कि जो सी डीज़ को प्ले करने में यूज़ होता है इट प्लेस्ड

एक्रोनाइम दैट स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी डीवीडी रोम भी जो है एक तरह से कह सकते हैं तो डिजिटल वर्सेटाइल या डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसको कहते हैं जिसको कि रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं और एकदम लेटेस्ट जमाने की बात करें तो अब तो ये भी हट गया है डिवीडी डिव ड्राइवर और सी ड्राइवर भी हट गए हैं जिनको अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि मल्टी सिस्टम के तौर पर हम जो है इनको बोल रहे हैं ना कि जो सी या डिव प्ले करते हैं ड्राइवर या ड्राइव तो अब तो यहाँ पे यू पोर्ट आ गए हैं जिससे कि पेन ड्राइव के थ्रू हम कोई भी जो वीडियो फाइल्स या इमेज फाइल या कोई भी चीज़ें हम प्ले कर सकते हैं अप्लीकेशन ऑफ मल्टी मीडिया मल्टी मीडिया के क्या क्या अपलिकेशनस हैं मल्टी मीडिया हैज़ मैनी यूजेज एज इन मल्टी मीडिया के बहुत से यूज हैं जैसा कि हम यहाँ देख पाएंगे प्लेइंग गेम्स गेम खेलना गेम्स लाइक सोलटरियल फ्री फ्री सेल्स एंड माइंड स्वीपर आर अवेलेबल विद द विंडोज़ ये सब गेम्स जो है विंडो के साथ अवेलेबल हैं अदर गेम्स कैन ऑल्सो बी लोडेड लाइक अदर गेम भी लोडेड हो सकते हैं जैसे कि प्लेंट्स जॉम्बीज कार रेसिंग एक्सेट्रा समलाइन गेम आर कौन काउंटर स्ट्राइक फीफा एंड गेयर्स ऑफ वार्स ये सब गेम जो है ऑनलाइन गेम होते हैं जो कि इंक्लूड हो सकते हैं ये हमारे प्लेंग गेम ये इस तरह के मल्टी मीडिया हैं ये अप्लीकेशन है मल्टी मीडिया का दफ्टर द सेकेंड आ जाता है हमारा लिसनिंग टू म्यूजिक एंड वॉचिंग मूवीज़ एडवर्टाइजमेंट वीडियो और फिल्म कोई गाने सुनना मूवी देखना प्रचार वगैरह एडवर्टाइजमेंट देखना या कोई वीडियो या फिल्म देखना नेम ऑफ द नेम ऑफ द पॉपुलर एनिमेटेड मूवीज़ आर कुछ यहाँ पर पॉपुलर एनिमेटेड मूवीज़ के नाम दिए हुए हैं जैसे कृष्णा नेमो ब्रेव एनिमेटेड मूवीज़ है ये सब नेक्स्ट है इसमें लिखा हुआ है इन एडवरटाइजमेंट एनिमेशन इन एडवर्टाइजमेंट एनिमेशन द ग्राफिक डिज़ाइन आर यूज टू प्रमोट द सेलिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट एनिमेशन में जो है ग्राफिक डिज़ाइन के थ्रू हम इसमें किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने का इसमें एक मतलब दबाव बनाया जाता है ठीक है कि ताकि उस एनिमेशन के थ्रू हमें जो व्यूवर्स हों उसको देखें और उस प्रोडक्ट को खरीदें ठीक है तो यहाँ पे काफ़ी फन है अब पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट इज़ दैट ऑफ वोडाफोन सिंपल इज सोन एयर वोडाफोन में जो आपको दो दिखेंगे छोटे छोटे एनिमेशन वो काफ़ी जो है अट्रैक्टिव होते हैं जिनको कि छोटे बच्चे तो खास कर देखते हैं थर्ड पॉइंट आता है हमारा बिजनेस इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉई ये जो है खासकर प्रोवाइड किया जाता है, है एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के लिए एडवर्टाइजिंग के लिए एंड टू सेल प्रोडक्ट ओवर ऑल द वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड और प्रोडक्ट को पूरे दुनिया में बेचने के लिए एजुकेशनल सी डी रोम्स फोर्थ पॉइंट हमारा एजुकेशनल सी डी रोम्स मल्टी मीडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन मल्टी मीडिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शिक्षा में नॉट इज देर आर सी डीज़ फॉर एवरी सब्जेक्ट विच हेल्प द चिल्ड्रेन टू लर्न ईजी आज के समय में सीडीज़ जो है अवेलेबल है जो कि बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत ही हेल्प करती है मल्टी मीडिया इज़ यूज टू प्रोड्यूस कम्प्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कोर्सेज मल्टी मीडिया का यूज़ जो है कम्प्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कोर्सेज को मल्टी मीडिया इज़ यूज टू प्रोड्यूस कम्प्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कोर्सेज मल्टीमीडिया का यूज या कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कोर्सेज को कंप्लीट कराने जैसे कि सी बी टी एस सी सी बी टी एस एंड रिफ़रेंस बुक लाइक इंसाइक्लोपीडिया और एलमेंस इंसाइक्लोपीडिया या एलमेंस जैसे बुक को भी इसमें दिया जाता है एजुटेनमेंट एजुटेनमेंट इज़ एन इंफॉर्मर टर्म यूज टू डिस्क्राइब कम्बिनेस कम्बाइनिंग एजुकेशन विथ इंटरटेनमेंट स्पेशली मल्टी मीडिया इंटरटेनमेंट एजुकेशनल मल्टी मीडिया सीटीज आर माइक्रोसॉफ्ट एनसटा ब्रिटेनिका इसाइक्लोपीडिया यहाँ पे कुछ मल्टी मीडिया सीटीज़ हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट सेटा या ब्रिटेनिका इसको इसइक्लोपीडिया नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेइंग ऑडियो और वीडियो सी डी डी वी डी ऑडियो वीडियो की सी डी डी वीडी को प्ले करना टू लिसन टू एन ऑडियो और डीवी डी ऑडियो और वीडियो सी डी ऑन द कंप्यूटर विंडो मीडिया प्लेयर कैन बी यूज इन विंडो मीडिया सेंटर विंडो मीडिया प्लेयर यूज़ किया जाता है विंडो मीडिया सेंटर में वी कैन प्ले ऑडियो सी डी एंड डी वी डी मूवी हम किसी कोई भी जो है ऑडियो सी डी की या डी वी डी मूवी की प्ले कर सकते हैं वी कैन ऑल्सो प्ले डेटा सी डी एंड डी वी डी की हम जो है सी डी डी वी डी के डेटा को भी प्ले कर सकते हैं डिस्क दैट कंटेन डिजिटल मीडिया फाइल्स डिस्क जो कि डिजिटल मीडिया फाइलों को कंटेंट करते हैं सच एज़ एम पी थ्री डब्ल्यू एम वी एंड जे पी जी फाइल्स लेटस लर्न हाउ टू वर्क विथ विंडो मीडिया प्लेयर चलिए देखते हैं विंडो मीडिया प्लेयर से कैसे वर्क करते हैं विंडो मीडिया प्लेयर एब्रीवेटेड डब्ल्यू एम पी शॉर्ट में इसको डब्ल्यू एम पी बोलते हैं इज़ ए मीडिया प्लेयर एंड मीडिया लाइब्रेरी एप्लीकेशन डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट विंडो मीडिया प्लेयर जो होता है वो एक मीडिया लाइब्रेरी अप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है दैट इज़ यूज फॉर प्लेइंग ऑडियो जिसका यूज़ ऑडियो को प्ले करने वीडियो को प्ले करने इमेज को देखने अपने पर्सनल कंप्यूटर में अपने कंप्यूटर अपने पर्सनल कंप्यूटर में इमेज वीडियो ऑडियो इन सबको देखने सुनने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है फॉलो दिज इंस्ट्रक्शन टू यूज़ विंडोज मीडिया प्लेयर विंडो मीडिया प्लेयर को यूज़ करने का क्या इंस्ट्रक्शन है फर्स्ट स्टेप क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे सेकेंड स्टेप सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम फ्रॉम द पॉपअप मेनू उसके बाद ऑल प्रोग्राम को क्लिक करेंगे पॉपअप मेनू से थर्ड स्टेप क्लिक ऑन विंडोज़ मीडिया प्लेयर ऑप्शन उसके बाद विंडोज़ मीडिया प्लेयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसमें लिखा हुआ है द विंडो मीडिया प्लेयर विंडो विल ओपन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन विंडो मीडिया प्लेयर जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा ये देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है ना यही है विंडो मीडिया प्लेयर विंडो द विंडो मीडिया प्लेयर विंडो विल ओपन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन विंडो मीडिया प्लेयर जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा द विंडो ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ द म्यूज़िक ट्रैक और वीडियो बिहन प्लेट लाइक द टाइटल द नेम टेक इन एंड द टोटल टाइम प्लेट यहाँ पर विंडो मीडिया प्लेयर में जो स्क्रीन हमको दिखेगी इसमें सभी तरह के इंफॉर्मेशन रहेंगे जैसे कि कौन सा म्यूज़िक ट्रैक है कौन सा म्यूज़िक प्ले हो रहा है कौन सा वीडियो प्ले हो रहा है वीडियो का टाइटल क्या है टाइम कितना लिया है वीडियो अभी कितना बचा हुआ है वीडियो कितना कंप्लीट हो चुका है और कितना समय लगेगा अभी इसको प्ले होने में ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई होती है काफ़ी अच्छी है द विंडो मीडिया प्लेयर विंडो सेलेक्ट द फाइल यू वॉन्ट टू प्ले एंड क्लिक ऑन द ओपन बटन विंडो मीडिया प्लेयर में आप उस फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए और जिसको आप प्ले करना चाहते हैं वहाँ से आप ओपन बटन से क्लिक कर लीजिए ओपन कर लीजिए क्लिक ऑन द क्लिक ऑन द प्ले बटन ऑन द विंडो मीडिया प्लेयर विंडो एंड इन्जॉय उसके बाद विंडो मीडिया प्लेयर में प्ले बटन को क्लिक करेंगे और इन्जॉय करेंगे इंस्टॉलिंग अ गेम और गेम सी डी और डी गेम सी या डी को कैसे इंस्टॉल करते हैं टू रन और प्ले अ मल्टी मीडिया सी रोम किसी भी तरह के मल्टी मीडिया सी डी रोम को प्ले करने के लिए या चलाने के लिए वी नीड टू फर्स्ट इंस्टॉल इट सबसे पहले हमें इसको इंस्टॉल करना होगा कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में बिना इंस्टॉल किए वो हमको हम यूज़ नहीं कर सकते वंस वी इंसर्टिड द सी डी रोम इन द सी डी ड्राइव जब हम एक बार सी डी रोम को सी डी ड्राइव में इंसर्ट करते हैं द कंप्यूटर विल बी एबल टू टेल वाट काइंड ऑफ सी डी इज तो कंप्यूटर हमसे पूछेगा कि यह किस तरह की सी डी है सम टाइम द प्रोग्राम स्टार्ट रनिंग बाई इट्स कभी कभी तो प्रोग्राम खुद ही चलना स्टार्ट हो जाता है बट समी डीज़ नीड टू इंस्टॉल बिफोर दे कैन रन कभी कभी सी डी को इंस्टॉल होने के लिए उन्हें रन करना जरूरी है फॉलो दिज स्टेप टू इंस्टॉल द सी डी ऑफ डी बी डी चलिए इस स्टेप को फॉलो करते हैं सी डी आर डी को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल द सी डी आर डी ओ डी इन दी डी ड्राइव सी डी आर डी को सी डी ड्राइव में इंसर्ट करेंगे डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकॉन उसके बाद कंप्यूटर आईकॉन पर डबल क्लिक करेंगे दैट इज़ अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप जो कि डेस्कटॉप पे अवेलेबल होगा डबल क्लिक ऑन द आईकॉन विथ योर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर नेम उसके बाद जो भी आपका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में होगा होगा उस पर हम डबल क्लिक करेंगे थर्ड स्टेप है इफ द इंफॉर्मेशन इफ द इंस्टॉलेशन डज नॉट बिगन अगर इंफॉर्मेशन जो है जब अगर इंस्टॉलेशन अगर इंस्टॉलेशन स्टार्ट नहीं हुई है डबल क्लिक ऑन द सेटअप आइकॉन उसके बाद सेटअप आइकॉन पर क्लिक करेंगे फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू द टू इंस्टॉल द प्रोग्राम सॉफ्टवेयर दैट अपेयर्स ऑन द स्क्रीन उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन है स्क्रीन पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए आपका प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा मल्टी मीडिया गेम्स मल्टी मीडिया गेम्स आर वेरी पॉपुलर दिस डेज आज के समय में मल्टी मीडिया गेम्स बहुत पॉपुलर हैं गेम सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल इन सी डी रोम गेम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सी डी रोम में भी अवेलेबल होते हैं और कैन बी प्लेड ऑनलाइन और उन्हें ऑनलाइन भी हम खेल सकते हैं इट इज पॉसिबल टू डाउनलोड गेम्स फ्राम द इंटरनेट ऑल्सो ये बहुत पॉसिबल है गेम को डाउनलोड करना है इंटरनेट से इट इज़ पॉसिबल टू डाउनलोड गेम्स फ्रॉम द इंटरनेट ऑल्सो और ये पॉसिबल है गेम को डाउनलोड करना इंटरनेट से और हम जो है कि इंटरनेट को गेम गेम को इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं टू स्टार्ट अ गेम गेम को स्टार्ट करने के लिए द स्टेप्स फॉर विंडोज सेवन आर गेम को स्टार्ट करने के लिए विंडोज सेवन के कुछ स्टेप्स हैं क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन योर डेस्कटॉप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पर सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम फिर ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे स्क्रॉल डाउन अनटिल यू फाइंड एक्सेसरीज एंड देन क्लिक ऑन इट उसके बाद स्क्रॉल करेंगे और एक्सेसरीज को फाइंड करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे क्लिक ऑन गेम्स एंड द गेम्स क्लिक ऑन गेम्स एंड गेम यू वॉन्ट टू प्ले और उस गेम पर क्लिक करेंगे जिसको आप खेलना चाहते हैं द गेम द गेम अपियर्स ऑन द स्क्रीन फॉर यू टू प्ले और गेम आपका जो है डिस्प्ले पर दिख जाएगा जिसको आप खेलना चाहते हैं यू कैन एग्जिट द गेम by क्लिकिंग ऑन द क्रॉस आप जो टॉप राइट कॉर्नर में जो क्रॉस का बटन है उसको क्लिक करके आप गेम को एग्जिट भी कर सकते हैं बाहर भी एक गेम से आ सकते हैं या गेम को क्लोज कर सकते हैं ऑनलाइन गेम ऑनलाइन गेम्स आर प्लेड ओवर सम फ्रॉम द कंप्यूटर नेटवर्क ऑनलाइन गेम जो होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर ही खेला जा सकता है टिपिकली ऑन द इंटरनेट इंटरनेट के थ्रू ऑन एडवान्टेज ऑफ ऑनलाइन गेम इज़ द एबिलिटी टू कनेक्ट टू मल्टी गेम्स ऑनलाइन गेम का ये एडवांटेज है कि जैसे आप रियल में अपने साथियों के साथ खेलते हैं उस तरह से आप ऑनलाइन बैठे हुए साथी होंगे उनसे आप कनेक्ट होकर आप गेम खेल सकते हैं ऑल थ्रू सिंगल प्लेयर ऑनलाइन गेम्स आर क्वाइट कॉमन एज वेल लेकिन सिंगल प्लेयर ऑनलाइन गेम थोड़ा सा कॉमन हो जाता है लर्निंग टू प्ले सॉली टायर को कैसे खेलते हैं सॉली इस कार्ड गेम बाई द सिंगल पर्सन सॉरी टायर जो होता है कार्ड गेम होता है गेम इज ऑल्सो नोन एज पेशेंस इस गेम को पेशेंस के नाम से भी जानते हैं द स्टेप टू प्ले सॉजिव द गेम इज टू बिल्ड फोर स्टेक्स ऑफ कार्ड इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं गेम के इसमें कार्ड के फोर स्टेक्स को दिए जाते हैं वन फॉर इच सूट इन दसेंडिंग ऑर्डर फॉर फ्राम एस्टूट किंग इन द इम्पटी स्लॉट्स एट द टॉप राइट ऑफ द स्क्रीन विंडो सॉरी टायर इज़ प्लेइंग विद द विगल डेक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स विंडो सॉरी टायर जो होता है वो सिंगल डिस्क ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स आप जानते हैं ताज की पत्तों में फिफ्टी टू कार्ड्स होते हैं उनके थ्रू हम खेल सकते हैं द गेम बिगनस विथ ट्वेंटी एट कार्ड्स अरेंज ट्वेंटी एट कार्ड्स जो है सेवन कॉलम में अरेंज होते हैं द फर्स्ट कॉलम कंटेंस वन कार्ड हर पहला कॉलम जो होता है उसमें वन कार्ड होते हैं द सेकेंड हैज़ टू कार्ड सेकंड में टू कार्ड होते हैं एंड थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे द टॉप कार्ड इन ईच कॉलम इस अप जो टॉप कार्ड होता है उसमें हर कॉलम में उसका फेस ऊपर होता है द रे स्टार फेस डाउन और बाकियों का डाउन होता है ऑल्सो देर इज़ अ डेक ऑफ कार्ड विथ फेस डाउन इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो है जो कार्ड का फेस होता है वो थर्ड डाउन होता है कार्ड में भी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द अनकवर्ड कार्ड ऑफ ईच कॉलम जो कार्ड में भी कार्ड में भी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द अनकवर्ड मतलब कि जो अनकवर्ड कार्ड होते हैं वो जो है प्लेस हो जाते हैं इफ़ दे आर द अपोजिट कलर द नेक्स्ट इन ऑर्डर अगर अगले ऑर्डर में अगर, अगर अपोजिट कलर है तो उस कंडीशन में जो है जो कार्ड होते हैं जो अनकवर्ड है वो बदल जाते हैं इफ इफ द नाइन इज ऑन द टॉप इन कॉलम अगर कॉलम के टॉप में अगर नाइन है यू मे प्लेस अ रेड टेन तो जो टेन होगा वो रेड में चेंज हो जाएगा द टेन ऑफ हार्ट्स ऑफ द हंड्रेड ऑफ द टेन ऑफ डायमंड्स हार्ट्स का मतलब होता है टेन डायमंड्स ऑन टॉप ऑफ इट इसके टॉप में कॉलम इज इम्पट्टी अगर कॉलम इम्पट्टी होगा यू मे मूव अ किंग टू रिस्टार्ट द कॉलम आप किंग को जो है हटा सकते हैं कॉलम को रिस्टार्ट करने के लिए आफ्टर मूविंग अ कार्ड फ्रॉम अ कॉलम कॉलम से कार्ड को जो है मूव कराने के लिए क्लिक ऑन द टेक्स्ट कार्ड टू टर्न इट ओवर टेक्स्ट कार्ड को हम क्लिक करेंगे इसको ख़त्म करने के लिए टू सी मोर कार्ड ज्यादा कार्ड को देखने के लिए क्लिक द टेक टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू टर्न ओवर द एंड सी द कार्ड हम कार्ड को देख सकते हैं क्विक्रिक ऐप मल्टी मीडिया इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ टेक्स्ट साउंड पिक्चर्स एनिमेशन एंड वीडियो मल्टीमीडिया जो होता है वो टेक्स्ट साउंड पिक्चर और एनिमेशन और वीडियो का कॉम्बिनेशन होता है मोस्ट मल्टीमीडिया प्रोग्राम आर इंटरेक्टिव ज़्यादातर मल्टीमीडिया प्रोग्राम काफ़ी इंटरेक्टिव होते हैं टू रन अ प्ले टू रन और प्ले मल्टी मीडिया सी डी वी नीड टू फर्स्ट इंस्टॉल इट किसी भी मल्टीमीडिया सीडी को इंस्टॉल करने या रन करने के लिए सबसे पहले हमें इसको इंस्टॉल करना होगा सम गेम्स आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर कुछ गेम्स होते हैं जो कंप्यूटर पहले से इंस्टॉल होते हैं द मोस्ट कॉमन वंस आर सॉलिटायर माइन स्वीपर पिन बॉल्स फ्री सेल्स चेस एंड बैक गेमॉन्स वी कैन एग्जिट द गेम बाई क्लिकिंग ऑन द क्रॉस ऑफ द टॉप राइट टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द विंडो हम ये तो हमको मालूम ही है कि जो टॉप राइट कॉर्नर में जो रेड कलर का क्रॉस होता है और मिनिमाइज मैक्सिमाइज होता है उसमें रेड कलर से क्रॉक के क्रॉस पर हम क्लिक करके जो है विंडो क्लोज कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा ऑप्शन जो है आ जाता है एक्सरसाइज टिक द करेक्ट एक्सरसाइज टिक द करेक्ट आंसर द टर्म मल्टी मीडिया हैज़ बिन क्वेंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मल्टी मीडिया टर्म किस किस टर्म से बना हुआ है मल्टीपल एंड मीडिया थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हाउ मेनी मैक्सिमम मीडिया एलिमेंट आर कम्बाइंड इन मल्टी मीडिया मल्टी मीडिया में कितने मैक्सिमम एलिमेंट कम्बाइंड हैं फाइव एलिमेंट थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट वी कैन बी यूज टू प्ले म्यूजिक और वॉच मूवीज़ ऑन द कंप्यूटर हम जो है कंप्यूटर पे जो है म्यूजिक वगैरह और जो है मूवी वगैरह देख सकते हैं विंडो मीडिया प्लेयर में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट डी वाला है हाउ मैनी कॉलम ऑफ कार्ड आर देयर इन द विंडो सेवन कॉलम्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट विच टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब एजुकेशन कंबाइंड विथ इंटरटेनमेंट कौन से टर्म होते हैं जो कि एजुकेशन इंटरटेन जो एजुकेशन कंबाइंड होते हैं इंटरटेनमेंट के साथ एजु एजुटेनमेंट सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू टी और फॉल्सैफ मल्टी मीडिया इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कंबाइन टेक्स्ट साउंड ग्राफिक्स एंड वीडियो मल्टी मीडिया जो होता है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि टेक्स्ट साउंड और ग्राफिक और वीडियो को कम्बाइंड करता है फॉल्स मल्टीमीडिया जो है एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है दैट कम्बाइंड टेक्स्ट साउंड ग्राफिक सॉफ्टवेयर नहीं है ओके okay? इसलिए फॉल्स इन डीबी रोम डीबीडी रोम में ओ स्टैंड फॉर आउटपुट फॉल्स ओ माने होता है ओनली मल्टी मीडिया रिफर्स टू आर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी मीडिया फॉर्म एज टेक्स्ट साउंड वीडियो इंफॉर्मेशन एनिमेशन ग्राफिक्स ऑफ कवरी इंफॉर्मेशन ट्रू ये एक सही हुआ सी डी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क सी डी को फुल फॉर्म में कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं ट्रू एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट कैन नेवर बी कम्बाइंड एजुकेशन और कभी कम्बाइंड नहीं हो सकता बिल्कुल हो सकता है Expand the following acronyms: DVD, ROM, Digital Versatile Disc, Read Only Memory, ROM, Read Only Memory, CBT, Computer Based Training, CPU, Central Processing Unit, CD-ROM, Compact Disc, Read Only Memory. Name the following: Any three games that comes that come with Window Solitaire, Free Cells, Minesweeper. Three application of multimedia system playing games listening, listening to music and watching movies creating and viewing advertisement find the name of the following multimedia terms in the grid text cd rom speaker games video graphic text audio animation you can choose in the grid thank you class